यार ये माइनक्राफ्ट को आए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए लेकिन इसके टेक्सचर इतने खराब है। एक सेकंड, ये कैसा पेड़ है? ओ भाई, पेड़ की पत्ती तो एकदम रियल नीम की पत्ती जैसे लग रही है। मतलब इसको तोड़ के तो काढ़ा भी बना सकते हैं। और भाई लकड़ी तो एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक, और ये फूल भी बहुत रियल लग रहे हैं। रियल रियल भाई, ये माइनक्राफ्ट है कौन सा गेम है भाई? इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल, सब कुछ नॉट पॉसिबल। अब अच्छा लग रहा भाई, गेम ही लैग हो गया। तो आज मैं वो माइनक्राफ्ट टेक्सचर बदलने जा रहा हूँ जो भी ट्री से रिलेटेड है, फूल पत्ती झाड़ तना सब कुछ, यहाँ तक कि मैं दीमक का भी टेक्सचर बदल दूंगा। वैसे थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये? माइनक्राफ्ट में दीमक होती तो उसका टेक्सचर बदल देता, नहीं है इसलिए नहीं बदल सकता। होती तो भी कौन सा बदल देता। तो ये है अपना नॉर्मल वाला ओक वुड जो कि अब नॉर्मल नहीं हो चुका है, मिट चुका है, और इसकी जगह अपन ऐड करेंगे अपना गूगल से उठाया हुआ असली वाला वुड। तो इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया और फिर मैंने लीव्स को भी मिटा दिया, इसी तरह से गायब कर दिया। और फिर मैं छत पे गया, छत पे से नीम के पेड़ की फोटो खींची और उसकी फोटो डाल दी। और मैंने कोई फूल की खेती तो कर नहीं रखी इसलिए मैंने एक और फूल गूगल से उठा लिया। इसके बाद मैंने थोड़ा स्पीड रन किया, फिर मैं गया एंड्रॉइड में डाटा में com.mojang फाइल्स गेम्स com.mojang रिसोर्स पे, फिर मैंने मेरा टेक्सचर इंस्टॉल कर दिया और मैं सो गया। मतलब मैं नहीं सोया, मेरा मोबाइल सो गया। फिर मैंने उसको चार्ज लगा और फिर कंटिन्यू करा। फिर मैंने मेरा टेक्सचर पैक एक्टिवेट कर दिया ओपी 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 नाम से, फिर वर्ल्ड क्रिएट कर दिया। कितना बकवास करता हूँ मैं। फिर मैं एक भयंकर ही मस्त वाले वर्ल्ड में आ गया, मन करा सीड वाला वीडियो बना दो, लेकिन मैंने मेरा पेड़ उगा दिया, उस पे बोन मील मारी। रुको थोड़ा सांस ले दो। फिर मेरे को मिला पेड़ विद अल्ट्रा रियलिस्टिक पत्तियां। तुम लोग बोलोगे इसमें रियलिस्टिक वुड तो है ही नहीं, इतनी देर तू क्या टाइम पास कर रहा था? लेकिन थोड़ा रुको जरा, क्योंकि रियलिस्टिक वुड स्ट्रिप करने से मिलेगी, नॉर्मल मेरे को टेक्सचर मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने स्ट्रिप वाले का ही टेक्सचर लगा दिया। लेकिन भाई लीव्स और इसका जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो क्या, मतलब मस्त, मतलब बैठ नहीं रहा लेकिन फिर भी मस्त लग रहा है क्योंकि मेहनत लगी है मेरी। लेकिन यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बस देखने का मन कर रहा है, देखते जाओ इसको, देखते जाओ बस। लेकिन तुम लोगों के भी अजीब नखरे हैं, मेरे को बोलते हुए सुनते रहना, इसलिए मैंने एक दो तो नहीं पूरे 3 फूल का टेक्सचर बदला था। मतलब 2 MB का एक एक फूल है लगभग, उसका मतलब मेरा 6 MB नेट तो ऐसे उड़ गया। तो फिलहाल अभी फूल पे कॉन्सेंट्रेट करता है, वायर का लुक दे रहा है, मस्त दे रहा है, दे रहा होगा तो भी मैं बोलूंगा मस्त दे रहा है। फिलहाल इसको तोड़ के अभी दूसरा वाला फूल लगाते हैं एलम। ओ भाई गेम लैग कर दिया इसने तो पूरा। और एलम को मेरे को डिजाइन करने में बहुत मुश्किल आई थी, इसका बैकग्राउंड हटा नहीं था, अभी भी ढंग से नहीं हटा, थोड़े दाने दाने आ रहे हैं, लेकिन चलता है यार, लेकिन लुक तगड़ी दे रहा है। मतलब इसकी जड़ें भी दिख रही है बाहर से और जो रियलिस्टिक लुक आ रहा है ना, पानी की बूंद तक दिख रही है, तुम ध्यान से देखोगे। और भाई सामने से तो तगड़ा लुक दे रहा है, यहाँ से भी पानी की बूंद दिख तो रही है, हर एंगल से एक तगड़ा लुक दे रहा है। इसके बाद मेरा मोबाइल मेरे को लुक्स देने लगेगा। तो फिलहाल अभी थोड़ा बड़ा वाला फूल लगाते हैं भाई, 4 फूल की एक साथ फैमिली, 4 नहीं 8 है, पता नहीं कितने, एक छोटा नीचे भी, लेकिन भाई तगड़ा लग रहा है वाला फूल। अभी अगर मैं मेरे FPS देखूँ ना तो ये डाउन जाएंगे 25 से। देखो भाई कितना लैग कर रहा है। जो विलेजर है इसका भी घर थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, बेचारा फीकी फीकी वुड लगा रखी है, ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। सर मैंने आपका घर बदल दिया, एकदम मस्त कर दिया, इनाम तो दे यार। ओ मर गया। इस विलेजर की श्रद्धांजलि के लिए 1 लाइक। फिलहाल तो अभी इस वीडियो को खत्म करते हैं, बनाने में बहुत मेहनत लगी तो 1 लाइक तो कर ही देना प्लीज, कर सकते हो, इतना सा बटन दबाना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वी आर वेरी क्लोज टू छोड़ो तुम कर देना। और अगर ये मॉड चाहिए तो अपना डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ऐसे बहुत सारे मॉड्स में बनाता रहूंगा अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ गया तो, और डिस्कॉर्ड पे डालता रहूंगा तो तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग ग्रुप।